ईद का चांद दिखा, मुस्लिम भाइयों में दिखी खुशी की लहर। खबर उत्तर प्रदेश के भोजन पर से, जहां रमजान का पांच महीना पूरा हुआ है। 11 अप्रैल को ईद धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं चांद के दीदार के साथ ही ईद का पर्व भी मनाया जा रहा है। ऐसे में पर्व की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। ईद की मिठास बढ़ाने के लिए रोजगारों की खास पसंद की मामी दूध फेनी सेवैयों से बाजार पट चुके हैं। दुकानों पर इनकी बिक्री भी बढ़ गई है। सेवैयों की खुशबू बढ़ाने के लिए इत्र में अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी हो रही है। विभिन्न प्रकार की टोपी भी ईद के मौके पर बिकने को तैयार है। रंग बिरंगी डिजाइन टोपियां लोगों में विशेष आकर्षण में है। ईद के मौके पर लोग जमकर कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों में भी खास उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सेवई आदि दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। आप सब तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेवैयों की दुकान लगी हुई है और ग्राहक तो दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था रही है। पुलिस भी लगातार चकमार करती नजर आ रही है और कोई ऐसी गंभीर घटना न हो, इसको प्रशासन लेकर बहुत तरह सजग है। आप साफ तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से शहर के हृदय स्पतरी चौक लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग अपने सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और आज पूरी रात भर लोग खरीदारी करेंगे और सुबह नमाज अदा की जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था भी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मऊ के शहरियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और रमजान के महीने के बाद ईद में नमाज सुबह पढ़ी जाएगी सभी प्रमुख मस्जिदों में, ईदगाहों में। लिहाजा इसके देखते हुए प्रत्येक मस्जिद पे फोर्स को लगाया गया है। वहाँ के मौलवी से बात कर ली गई है और जितने जिम्मेदार लोग हैं उनसे जो है कि वार्ता कर लिया गया है। इसके अलावा जब पीस कमेटी की मीटिंग ली गई थी तो उसमें कुछ मुद्दे ऐसे उठे थे जैसे कि कुछ चीज़ें ठीक कराने की अपेक्षा उनको प्रशासन शासन की तरफ से जो थी उसको जो है कि ठीक कराने का जो वायदा था उसको पूरा किया जाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने खासकर लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने दिया जाएगा जिससे उनके ईद की नमाज में खलल पैदा हो। फोर्स हमारी पैरामिलिट्री और तमाम चीज़ें जो है फोर्स हमारे थाने की जो है लगी हुई है। इस समय चुनाव का भी वक्त है और आचार संहिता भी लगी हुई है। इन सभी के दृष्टिगत एक बेहतर तरीके से हम लोग माहौल बना के और सभी को जो है भरोसे में लेकर इसको ईद को सकुशल पूरा मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पे आवश्यकता होगी तो हम ड्रोन द्वारा भी जो है निगरानी करेंगे कि कहीं कोई ऐसा जीव जंतु जानवर तो नहीं है जो कोई चला आ रहा हो जो कि प्रतिबंधित है और ऐसे पाक मौके पर वो जो कि किसी चीज़ को गड़बड़ी पैदा करे, या तो फिर कोई बड़ा वाहन तो नहीं चला आ रहा है जो कि भारी संख्या में लोग निकलेंगे तो उसको जो है कोई दिक्कत हो, सड़कें गलियाँ जो है कि सुचारू रूप से चलती रहें, लोगों का आवागमन बढ़िया